Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कैसी डी कैसी न्यू आप लोग स्वागत है। मैं आपका भाई हीरा खान। आज हम लगा रहे गाड़ी के अंदर किट। कौन सी गाड़ी के अंदर किट आप इस वीडियो को मानन से आपको पता चलेगा हम कौन सी गाड़ी में किट लगा रहे हैं। न्यू ब्रांड गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर VS6 मॉडल के अंदर हम सीजी किट लगा रहे हैं। VS6 में आपको बता दे RC पे नहीं चलेगी। हम आपको बता दे RC पे नहीं चलेगी। जब अप्रूवल आएगा तब हम चढ़ा के देंगे बिल्कुल। अब आपको बताएं हम इसमें हम किट कौन से लगा रहे हैं। बेस्ट से बेस्ट किट, बैक टू बैक किट आज हम लगा रहे हैं ई-ग्रीन। अब हम डबके के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसके किट के बॉक्सेस खोल रहे हैं। ये हमने बॉक्सेस ओपन किया। ये आपका ई ग्रीन का लेआउट आता है प्रॉपर तरीके से। क्या क्या इसमें सामान है, क्या क्या कैसे कैसे रखते हैं। ये स्टिकर आपको सीजी की मिलती है, कंप्लायंस प्लेट मिलता है। और अब हम आपको बता दें, अब हम आपको वीडियो माध्यम से दो ACM बताएंगे। ये बेस्ट ACM है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम ई ग्रीन प्लस 48 फ्रेम की है। बेस्ट टू बेस्ट बैक टू बैक प्लस ये वायरिंग है बिल्कुल एकदम एग्रोटेक, कोई दिक्कत नहीं। वायरिंग बेस्ट क्वालिटी की वायरिंग है। ये स्विच हो गया, टेम्पर सेंसर हो गया और ये आपका मैप हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं रेड्यूसर। ये है रेड्यूसर, हाई प्रेशर का रेड्यूसर है, बहुत अच्छा रेड्यूसर है। इसकी बहुत अच्छी पॉपुलरिटी, बहुत अच्छा पिकअप भी आता है, बहुत अच्छी एवरेज आती है। और ये इसके कुछ एक्सेसरी है। अब हम आपको दिखाते हैं रेल इंजेक्टर। ये रेल इंजेक्टर है, 4 इंजेक्टर है। इसके अंदर साइज है, इसके साइड के अंदर कौन कौन से क्या पार्ट्स लगेंगे ये उनके निप्पल है। ये उसकी कुछ पत्तियां हैं। अब हम आपको मीटर के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे पास 2 क्वालिटी के मीटर होते हैं। ये क्वालिटी के मीटर है, वाटरप्रूफ मीटर है, बेस्ट क्वालिटी के मीटर है, बैक टू बैक है और बहुत अच्छा मीटर है। इसको पूरा पानी के अंदर डुबो दो, उसके अंदर मीटर खराब होने के चांसेस नहीं होता। ये KC&G खासियत है, क्वालिटी तो बेस्ट। अब आते हैं हम इसके फिलिंग वाल पे। आप फिलिंग वाल देख सकते हैं, ये फिलिंग वाल है, इससे गैस भरा जाता है। और कस्टमर जब अप्रूवल आएगी चलाने के, उसके अंदर पिन भी लग सकता है, कोई खुद जगह चलवा भी सकते हैं। अब आते हैं हम इसके हाई प्रेशर और लो प्रेशर के पाइप और बैकिंग प्रेशर की पाइप पे। ये 6 mm की पाइप है, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका 6 mm की पाइप है, 11 mm की पाइप है और लो प्रेशर की पाइप है। बेस्ट टू बेस्ट है, कुछ में दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक्सेसरी है, ये हाई प्रेशर पाइप है, 6 mm की पाइप है। आई गेट से अप्रूव है, अनअप्रूव पाइप नहीं लगता। आगे हम आपकी गाड़ी की वीडियो में जाते हैं। थैंक यू। ये है गाड़ी स्विफ्ट डिजायर 2021, मात्र चली है 450 से 500 के समथिंग के अंदर। इसके अंदर CNG किट हम लगा रहे हैं। और इसके स्टेपनी का कैसे बोर्ड होता है, लोग कहते हैं स्टैंड कौन सा लगाना चाहिए, इसमें स्टैंड कैसा लगना चाहिए, तो स्टैंड इसमें लगेगा हाइट लेंथ में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रॉपर तरीके से काम होगा। इस स्टैंड पर एक तो इसकी चादर कमज़ोर होती है, तो इससे चादर फटने चांस होता है। बाकी जो कहते हैं चेजिस के अंदर लगाने के लिए, तो चेजिस में क्या होता है, चेजिस में छेद होने के बाद चेजिस कमज़ोर हो जाती है। पहली बार तो मारुति खुद ही चादर कमजोर देती गाड़ी की, उससे कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर तरीके से काम होगा, प्रॉपर पता नहीं चलेगा आपको कौन सी है। अब हम आपको बताना चाहते हैं ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। अब आपको हम किलोमीटर दिखा दें, ये आप लोग को और दूसरे बंदे को लगता है इसकी ये चाबी नहीं है, इसको दूसरे बंदे को लगता है कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, कहीं झूठ वीडियो बनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको हम बता दें 402 किलोमीटर गाड़ी चली है पेट्रोल पे। और इसके अंदर CNG किट इंस्टॉल करने जा रहे हैं, बेस्ट टू बेस्ट बैक टू बैक। अब हम आपको दिखा दें, अभी गाड़ी के अंदर पूरा ढंग से ऑयल भी नहीं आया गाड़ी के अंदर, प्रॉपर हिसाब से काम। अब हम इसके अंदर CNG किट इंस्टॉल करेंगे। एक तो हाई रोडिंग इसका कॉइल्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉइल्स हैं, मारुति क्वालिटी में फेमस 1 नंबर इंडिया के सबसे बड़ी अच्छी कंपनी है और क्वालिटी A1 है। ये पूरे कवर्ड है, अनकवर्ड कुछ भी नहीं है, जैसे कहते हैं अनकवर्ड हो जाता है काम। ये देखो, अब हम इसके अंदर CNG किट लगा रहे हैं। कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। शॉप हमारी ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर।
आपको दिखा दें के सी एन जी के नाम से, और ये लोकेशन खोखा है, आप जा सकते हैं। और ये सामने से आप आओगे लेफ्ट में, ऊपर दुकान हमारी। थैंक यू। ये देख रहे हैं आप, ये है स्विफ्ट डिज़ायर न्यू मॉडल VA6 8 इंजेक्टर, और इसके अंदर हमने CNG किट लगाया है। इसका क्या परफॉर्मेंस है, कैसे क्या हुआ है, वो आपको हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं, हर बार बताते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। पहले भाई लोगों, आप लोग की सपोर्ट से कि CNG यहाँ तक पहुँची है, और आप लोग का प्यार से और आगे बढ़ेगा, और अच्छी से अच्छी आप लोग को वीडियो शूट करके बताया जाएगा कैसे कैसे काम होता है। अब इस गाड़ी के अंदर क्या है, अभी गाड़ी चली है मात्र 400-450 समथिंग गाड़ी चली है, और अब हम इसके अंदर CNG किट इंस्टॉल कर चुके हैं, और अब इसका क्या करना है, अब हम इसका आपको पूरा वीडियो शूट करके प्रॉपर तरीके से वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया जाए। आप ये देखना चाहते हैं, गाड़ी ऑन खोल दी हमने। पहले गाड़ी का हम इंटीरियर देखते हैं प्रॉपर तरीके से, ओके रिपोर्ट के साथ न्यू ब्रांड गाड़ी है। चार सौ चार किलोमीटर गाड़ी है CNG, और अब हम आपको दिखाना चाहते हैं अब हमें बताना चाहते हैं 8 सिलेंडर की गाड़ी के अंदर CNG किट लगती कैसे, अब हम आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। ये फिलिंग बाल है, ये नीचे रेड्यूसर आपका मैप सेंसर है, ये ECU बॉक्स है, पूरी वायरिंग कवर्ड है, अनकवर्ड में कुछ नहीं है, और हम इसमें 4 सिलेंडर की गाड़ी में एडवांसर नहीं लगाते। अब फिलिंग बाल का काम क्या होता है गाड़ी के अंदर गैस भरने का, यहाँ से गैस जाती है सीधा सिलेंडर में, सिलेंडर से गैस होकर वापसी रिटर्न आती है उसी पाइप से जो जाती किट के अंदर। किट के जो पाइप है ये अपना लो प्रेशर पाइप है, लो प्रेशर पाइप आपने मैप सेंसर आके पीछे बैक साइड में इंजेक्टर है, आपको इंजेक्टर के माध्यम से देखो इंजेक्टर में जाती है। उसके बाद इंजेक्टर को गैस की कितनी रेंज में इंजन को गैस देना होता है, कैसे क्या है, वो इंजेक्टर का सर्कुलेशन होता है। इंजेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन अपने गैस का ज़्यादा फ्लो करेगी तो उससे एवरेज कम आएगी। और ये BS6 8 इंजेक्टर वाली हमारे पास 5वीं 6वीं गाड़ी है, जो हम वीडियो पर बता चुके हैं और हर वीडियो दिखाते हैं। उसके तरफ से कटआउट लगता है, और कटआउट लगने के बाद ही वो 8 इंजेक्टर की इसमें कामयाब होती है। डिग्गी खोलना सर। अब हम इसका आपको सिलेंडर का पोर्शन दिखाएंगे, सिलेंडर का पोर्शन किस हिसाब से, ये पूरा सिलेंडर है, ये पूरा सिलेंडर, सिलेंडर कवर है, जो कवर बना हुआ है बहुत अच्छा फैब्रिक में बना हुआ है, मेरा खुद का मैन्युफैक्चर है ये, जो CV इंजीनियरिंग को देते माल, ये माल है, हमें खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रॉपर तरीके से क्या होता है, जो एक कंपनी जो गत्ते में लगाती है ना कवर के कपड़े, ये उस क्वालिटी के कपड़े, उस क्वालिटी के फैब्रिक में। और सबसे बड़ी बात क्या है, गाड़ी चली, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, के CNG में आगे लगी है दुकान पे। ये ऊपर बोर्ड है मेरा, एक होगा लोकेशन है, ऊपर सीढ़ी है, दोनों तरफ बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट में। अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, भैया स्टार्ट करो गाड़ी। कोई गाड़ी के अंदर नॉकिंग नहीं, कोई जॉकिंग नहीं। बाकी हमारी वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और आपका ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और हमारा स्टार्ट हो गया भैया, अब हमारा है अपने जस्ट डायल पे भी देख सकते हैं, लाइव है जस्ट डायल पे भी। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थैंक यू। जैसे कि गाड़ी कहते हैं CNG पे स्टार्ट होने के बाद वाइब्रेशन आती है, नॉकिंग करती है, जॉकिंग करती है, पहली। दूसरी बात यह है, गाड़ी ना जॉकिंग करेगी ना नॉकिंग करेगी, क्यों? सबसे बड़ी बात क्या होता है, काम करने का तरीका, काम करने का तरीका, कौन आदमी टेक्नीशियन कैसा कर रहा है काम, कैसा नहीं कर रहा। मैं खुद ही शॉप ओनर हूँ, खुद ही टेक्नीशियन हूँ, और आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, कैसे देखते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, एनीवे टाइम 24 आवर्स नॉन स्टॉप फ़ोन। मंडे को 11 से 3, बाकी दिन 11 से 8 बजे दुकान खुलती है हमारी। अब मंडे को स्पेशल हाफ डे होता हमारा, तो मंडे को 11 से 3 ओनली वर। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है, क्योंकि कंपनी ने VA6 में सरकार ने अप्रूवल नहीं दी है,
तो उसके माध्यम से गाड़ी में सी एन जी V6 में अभी नहीं चढ़ रही है। जैसे चढ़ेगी आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे क्या। और सबसे पहली बात है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 21 ब्रांचेज अपडेट हो चुकी है हमारी। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रांचेस के नाम आ जाएंगे, ऐड आ जाएंगे कौन कौन सिटी में है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ फ्री चेकअप जाके करा सकते हैं। थैंक यू।